हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लाल बाजार के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है कोलकाता से, जहां रूबी नाम की एक लड़की का मर्डर हो गया है। रूबी लाल बाजार के इलाके से आती थी, जो इलाका जिस्म फरोशी के लिए जाना जाता है। रूबी भी एक वेश्या थी, और जब वो मरी तब वो प्रेग्नेंट थी। रूबी का मर्डर उसके किसी कस्टमर ने ही किया है, पर अभी तक इसकी जानकारी नहीं लग पाई है। जब वो मरी तो उसकी लाश को बड़े आसानी से लाकर उसके घर में ऐसे लटका दिया जैसे कि लगे उसने खुदकुशी की है। अब ये केस मिला है साबिर को, और साबिर रिपोर्ट करता है गौरव को। साबिर के घर में उसकी बेटी और बीबी है। जब किलर को पता चला है कि साबिर रूबी के केस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसने उसकी बेटी सारा को किडनैप कर लिया है। जब सारा किडनैप हुई तो साबिर की बीबी प्रेग्नेंट थी, उसके स्ट्रेस के चलते उसका मिसकैरेज हो गया है। यहाँ साबिर किलर के पास तो नहीं पहुंच पाता, पर उसके हाथ लगता है असलम। असलम अपना मुंह नहीं खोलता, पर उससे जानकारी मिलती है गाजी के बारे में। गाजी यहाँ का लोकल गैंगस्टर है। गाजी रूबी का रेगुलर कस्टमर भी था, लेकिन इसकी जानकारी गाजी को लग जाती है कि साबिर उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि साबिर का जो जूनियर है मंसूर खान, वो है गाजी का खास आदमी। वो काम तो पुलिस के लिए करता है, पर पैसे लेता है गाजी से। गाजी का वो कह सकते हैं खबरी टाइप का है, जो उसको उसकी सारी रिपोर्ट पहुंचाता है। अभी तक ये केस बाटगंज की पुलिस स्टेशन में था, पर अब ये केस लाल बाजार की पुलिस स्टेशन में आया है, जहां इस केस को लीड सुरंजन कर रहा है। सुरंजन की एक टीम है, जिसमें मीरा, रुजवी और कुछ पुलिस वाले भी हैं। सुरंजन कुछ समय पहले माया से मिला। माया और सुरंजन अब दोनों लिविंग में रहते हैं। माया सुरंजन के साथ सिर्फ इसलिए रह रही है ताकि उसे अपनी न्यूज़ एजेंसी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहे, क्योंकि वो एक पुलिस वाला है और उसके पास सारी सबसे पहले अपडेट्स आती हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, जहां लाल बाजार के इलाके में शंकर का मर्डर हो गया है। शंकर का मर्डर उसके मुंह में पैंटी घुसाकर किया गया है। पूरे इलाके में ये मर्डर पैंटी मर्डर के नाम से फेमस हो गया है। अब केस की तहकीकात होती है तो पता चलता है कि शंकर का मर्डर उसकी बीबी पिंकी ने ही किया है। पिंकी शंकर के भाई शंभू से प्यार करती थी, दोनों साथ में रहना चाहते थे, इसलिए दोनों ने मिलकर शंकर का मर्डर कर दिया है। लालबाग के इलाके में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ काजल मंडल के माँ बाप का कत्ल कर दिया है बेरहमी से। अब पुलिस आने पर काजल उन्हें बताती है कि कुछ लोग आए और उसकी माँ बाप को मारकर चले गए। अब पुलिस वालों को थोड़ा शक होता है, पहले तो वो उसका बयान लिख लेते हैं, पर कुछ पुलिस वाले उसका पीछा करते हैं। जब पता चलता है कि काजल मंडल ने तो अपनी खुद की गैंग बना कर रखी है। दरअसल उसकी माँ सौतेली थी और बाप भी उसका अच्छा व्यवहार नहीं करता था उससे, तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने माँ बाप को बेरहमी से मार दिया। अब काजल मंडल नाबालिग है, इसलिए उसे बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता है, पर यहाँ पर अपराध अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुका है। यहाँ एक आदमी है गे, जो कि अपने गे पार्टनर को गाड़ियों में बुलाता है और उन्हें बेरहमी से मार देता है। अभी तक वो 3 मर्डर कर चुका है और सारे मर्डर का एक ही पैटर्न फॉलो करता है। अब प्लान ये बना है कि पुलिस वाले उसे पकड़ेंगे, रुजवी गे बनकर जाएगा उसके पास, और जब वो किलर उसे मारने आएगा तो उसे पकड़ लिया जाएगा। प्लान एग्जीक्यूट होता है और उसे पकड़ लिया जाता है। अब इस लाल बाग के इलाके में एक घर है, जहां लड़कियों को लाया जाता है और जबरदस्ती जिस्म फरूसी के धंधे में ढकेला जाता है। इस घर का मालिक है ब्रजराज और उसकी बीबी रूपाली। अब ब्रजराज को रंगे हाथों पकड़ने के लिए मीरा उसकी मेड से मिलती है और उसकी मेड की बहन बनकर उसके घर के अंदर जाती है, पर ब्रजराज मीरा का रेप करने लगता है। तो मीरा पहले तो बहुत सहम जाती है, पर वैसे जैसे उसका रेप करने की वो कोशिश करता है, वो गन निकालती है और उसे बहुत पीटती है और उसे बोलती है कि यदि अब तुमने ये दोबारा किया तो तुम बचोगे नहीं। पर वो पुलिस स्टेशन उन्हें लेकर आया जाता है, पर ब्रजराज के मिनिस्टर तक कनेक्शन है, वो बिना ही कोई कानूनी कार्रवाई के वहाँ से निकल जाता है बहुत ही आसानी से। यहाँ पर सबीर को अभी तक गाजी के खिलाफ रूबी के मर्डर केस में कोई भी सबूत नहीं मिला है। यहाँ गाजी ने अपने आदमी शौकत से हर उस इंसान को मरवा दिया है जिस पर गाजी को शक था कि वो पुलिस को मेरी खबर दे रहा है। शौकत को अब शक हो गया है कि फरजाना भी कहीं ना कहीं पुलिस से मिली हुई है। वो फरजाना को भी मारने जाता है, पर वो वहाँ से बच जाती है। यहाँ सुरंजन ने फिलहाल फरजाना को अपने घर में ही रखा है, पर शौकत उसे वहां पर भी मारने पहुंच जाता है। अब पुलिस ने प्लान बनाया है गाजी को पकड़ने का, पर सबसे पहले ये कि शौकत को पकड़ा जाए और उसकी गन को भी जब्त कर लिया जाए। पुलिस ऐसा ही करती है, पर गाजी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है। यहां पर सुरंजन की टीम को पता चल गया है कि
रूबी को गाजी ने नहीं मारा है, रूबी को यहाँ के हेड गौरव ने मारा है। गौरव रूबी का रेगुलर कस्टमर था। जब रूबी प्रेग्नेंट हुई तो गौरव ने उसे मार दिया और बड़े ही चालाकी से उसके घर जाकर उसे लटका दिया। उसने ही रूबी की लाश को मुर्दा घर से गायब किया और सारे सबूत को भी मिटाया। अब गौरव के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। पर जब गौरव ये बात पुलिस वालों से पूछता है कि तुम्हारे पास तो कोई सबूत ही नहीं है, तो वो उसे वो बच्चा दिखाते हैं जो मरने के बाद रूबी के पेट से निकाला गया था। उसका डीएनए गौरव के डीएनए से मैच होता है। और तो दोस्तों, यहाँ पर सीरीज़ ख़त्म हो जाती है। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ढेर सारी न्यू रिलीज वेब सीरीज़ की स्टोरी लेकर आती हूँ। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।